अभी एक विश्लेषण किया गया मित्रों, पिछले 10 साल में तो नहीं था, पिछले 10 साल के अंदर ढेर सारी चीजें आ गई, उसमें मिनरल वाटर बॉटल आ गई। उस बॉटल के पानी का विश्लेषण किया एक संस्था ने, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट CSE दिल्ली की, और उस संस्था ने यह पाया कि 26 मॉडल उन्होंने बॉटल के टेस्ट किए, और उनमें बड़ी बड़ी कंपनियों के मॉडल है, कोक का, पेप्सी का, बिस्लेरी, कितने प्रकार की कंपनियां हैं सबका, और सबका विश्लेषण करने के बाद उन्होंने पाया कि इनके अंदर पाए जाने वाले कीटनाशक रसायनों की मात्रा जिन मानक के हिसाब से इनको माना जाता है उनसे करीब करीब 150 गुना ज्यादा है। आप जो आराम से नल के नीचे पानी पी लेते हो ज्यादा अच्छा है बजाय इसके कि बोतल वाला पानी पियो। बोतल वाला पानी पीने का मतलब है डीडीटी मिला हुआ पानी पीना। बोतल वाला पानी पीने का मतलब है कीटनाशक रसायन से मिला हुआ, जहां से बोरिंग करते हैं उसी पानी को उठा करके कच्चे पानी में मिला देते हैं और उसी से वो सारा करते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस रिपोर्ट के आने के बाद एक जांच कमेटी बिठा दी है, जांच कमेटी का नतीजा आप जानते हैं क्या होगा, और बॉटल चलती रहेंगी, वही बॉटल मीटिंग में पी जाएंगे और हम लोग ऐसे इम्यून हो गए हैं, हमारी जीवनी शक्ति ऐसी हो गई है कि मच्छर हमको काटने के बाद मर जाए तो आश्चर्य मत करिए, हमको काटने के बाद मच्छर मर जाए क्योंकि हमारे अंदर इतना कीटनाशक डीडीटी है कि वो कहेगा डीडीटी छींटने वाले आए थे उनसे नहीं मरा पर इस आदमी को काटने में मर गए, हमारे अंदर इतना जहर भरा जा रहा है। आज की समस्याओं में एक ये मिलावट जो अन्न में भी हो गई है और हमारी धरती में भी हो गई है, धरती बंजर होती चली जा रही है, धरती में हम जिस चीज के माध्यम से पोषण करते हैं वो है कीटनाशक रसायन और दूसरा यूरिया खाद के रूप में, खाद से जितनी चाहे फसल ले लीजिए, ढेर सारी फसल ले लीजिए, यूं छिड़क दीजिए तो खूब सारे पालक आ जाएगी, उस पालक में प्राण होगा नहीं, प्राण नहीं होगा, उसको खाएंगे खाते जाइए आपको कभी कोई शक्ति नहीं मिलेगी। अगर आप वही चीज गोबर की खाद से बना के खाएंगे, कंपोस्ट फार्मिंग से खाएंगे, वर्मी कंपोस्ट से खाएंगे तो उसमें उसके स्वाद में अंतर देखिए और उसके लगने वाले शरीर को लगने वाले फर्क को देखिए। परंतु हम लोग आधुनिकता के दौड़ में गौशाला को भी भूल गए, गौ माता को भी भूल गए, और गौ माता की उपेक्षा का परिणाम ये हो रहा है कि गौ माता कट रही है और हम सिंथेटिक रसायन से बनी हुई खाद से अपने जितने भी अन्न जो है उनको विकसित करते हैं और उसी के माध्यम से अपना पोषण करते हैं। आज की समस्त समस्याओं का मूल कारण है मित्रों अज्ञान, ये अज्ञान है, ये विज्ञान नहीं है। जीवन में दो चीजें बहुत जरूरी है, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान हमारे जीवन में आना चाहिए और विज्ञान हमारे जीवन में इसलिए आना चाहिए कि वैज्ञानिक दृष्टि अगर होगी तो उसके माध्यम से ज्ञान को हम जन जन तक पहुंचा पाएंगे। ज्ञान आत्मज्ञान को कहते हैं और विज्ञान उस चीज को कहते हैं जिसमें कि वैज्ञानिक दृष्टि तथ्य और प्रमाण के साथ आदमी अपने जीवन में इस चीज को धारण करे, वैज्ञानिक दृष्टि के साथ साथ विश्लेषण करे। और ये तो अज्ञान है, निरा अज्ञान है, कुज्ञान है, एक एक प्रकार से कहा जाए तो ऐसा ज्ञान है जो आदमी को गलत दिशा में ले जाता है, और गलत दिशा में ले जाकर के मित्रों आज हम सभ्यता की दौड़ में संस्कृति को भूल गए हैं, और संस्कृति को भूल करके, अध्यात्म को भूल करके, मानव मूल्यों की अवहेलना करते हुए हम दिखावे का अध्यात्म तो जी रहे हैं। विवेकानंद ने कहा था मुझे 100 आदमी दे दो तो सारे देश को बदल दूंगा, ये कथा सुनने से आदमी को नहीं बदलता क्योंकि दिखावे का धर्म बढ़ गया, ये अज्ञान की वजह से बढ़ा है। प्रस्तुत है शांति कुंज वीडियो ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर पर, अभी डाउनलोड करें। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।